नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़ी सी लाइट कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, सिर्फ 2 मिनट के बाद ही लाइट कम हो जाएगी। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये आप मेरे बारे में देख रहे हैं स्क्रीन पर। मुझे 4 वर्षों, मतलब 7 वर्षों से मैं देश के विभिन्न शहरों में अलग अलग एरिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। कहने का मतलब है कि उनके स्टैंडर्ड को जान पहचान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 4 बार मैं खुद सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो आपको भी मेरे इस एक्सपीरियंस का बहुत फायदा मिलेगा। एक सीक्वेंस से हमने पढ़ना शुरू किया है, टाइम एंड वर्क, क्लास नंबर 2 आज है। टाइम एंड वर्क, ये है करंट अफेयर्स, डिफेंस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स को लेकर सारी क्लासिक एग्जाम्स है। डेली लाइव क्लास चलेगी, डेली लाइव क्लास है, अनलिमिटेड एक्सेस है। कितनी बार देखो, बीच में छूट जाती है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज है और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आप क्लासेज को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप क्लासेज को ले सकते हैं। ये आप बारे में हो सकता है आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई ना दे रहा हो, हरिंद्रा कोड को लगा के आप 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। हरिंद्रा कोड को लगाइए, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और आप मेरे पेड बैचेज में भी पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार और बहुत गजब तरीके का बैच हमेशा चलता है। तो अब हम लोग लेकर आ गए हैं हमारे टाइम एंड वर्क की सीरीज को, जो कल की क्लास से आगे, जिन बच्चों ने कल क्लास की थी उनको पता है कल बहुत ही शानदार और गजब क्लास हुई थी, और अब हम लोग उस क्लास से आगे की बात को अपन करेंगे। तो चलिएगा जी, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बड़ी ही गजब क्लास से। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास होने वाली है। 13 क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, याद होगा आपको, और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। 13 नंबर क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये लीजिएगा जी। क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से चीजों को करने का प्रयत्न करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ऑनलाइन बैच वगैरह लेके आएंगे, सीबीटी 2 के लिए भी लेके आएंगे, बहुत बैच लेके आएंगे सीबीटी 2 के लिए, आप टेंशन ही ना लो। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला है कि उससे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो आप टाइम एंड वर्क बहुत गजब तरीके से 14 क्लासेज के अंदर मैं पूरा कराऊंगा, तो आप यहां पर पढ़ेंगे और सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे, मेरे अंदर भी जोश, जज्बा, जुनून जग जाएगा आपको पढ़ाने का। तो चलिएगा, देखते हैं। ए किसी काम को 25% काम करता है और बी काम करता है। देखो सर, एक जगह ए लिखा है, ध्यान से देखना, एक जगह ए लिखा है और एक जगह बी लिखा है। एक 25% काम करता है और बी शेष काम करता है। टोटल काम होता है 100%। अगर ये 25% कर देगा तो ये कितना कर देगा, 75%। अगर ये 25% कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 75%। तो कितने दिनों में काम पूरा हो गया सर? 20 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर काम पूरा हो गया। यदि बी 25% काम करे, यदि बी 25% काम करता है और शेष काम ए करता है, ए 75% काम करता है, बी 25% काम करता है और ए 75% काम करता है, तो काम के समाप्त होने में 30 दिन लगते हैं। काम के समाप्त होने में 30 दिन लगते हैं भैया, 30 डेज। काम के समाप्त होने में 30 दिन लगते हैं। अब ये कह रहा है कि जी बताओ, ज्ञात करें ए बी अलग अलग उस काम को कितने समय में कर सकेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। मैंने ये बोला, जैसे ही ये वाली कंडीशन को देखो, यहां से ध्यान से सुनना भी इस बात को, अगर मैं जैसे ही इसका 50% बढ़ा देता हूं, ये 25% है और ये 75% है, मैं कह रहा हूं इसका 50% बढ़ गया, मतलब इन दोनों का गैप अगर 50% का है तो इसके दिन 10 बढ़ जाते हैं। मेरा क्या कहना है
कि जैसे ही इसका 50% बढ़ा, भाई दोनों का क्या था 25, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 25 और ये भी 25 है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा कितना है 50 है, ये एक्स्ट्रा ही तो ज्यादा होता है। अगर इसका 50 ज्यादा है तो इसमें कितने दिन ज्यादा हैं, 10 दिन ज्यादा है, यानी बी के हिस्से का 50% ज्यादा है, ए के हिस्से का, ए के हिस्से का, ए के हिस्से का 50% ज्यादा है। आप यहां से भी देख सकते हैं ना, 25 से 75 होना, ए के हिस्से का 25 से 75 होना कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, काम काम बढ़ गया जी 50%। 50% काम के बढ़ने से दिन कितने बढ़ गए हैं, 50% काम के बढ़ने से दिन बढ़ गए हैं जी 10 दिन। 50% काम के बढ़ने से दिन बढ़ गए हैं जी 10 दिन। बोलो जी, बोलो भैया। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ इस 25% को उधर देना चाहता हूं, 25% को उधर देना चाहता हूं, क्योंकि 75 तो ऑलरेडी है, मैं 25 को उधर देना चाहता हूं। मैंने देखा जी 50% जैसे ही बढ़ेगा, 10 दिन बढ़ गए थे, तो 25% के कितने दिन, 25% के दिन हो जाएंगे जी 5, 25% के तो दिन हो जाएंगे जी 5। तो 30 दिन तो ये रहे और 5 दिन ये रहे, और 30 दिन और 5 दिन तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 दिन। 30 दिन और 5 दिन टोटल कितना हो जाएगा, 35 दिन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही दिन जगर निकल के आएंगे तो 35 आ गए। बात समझ में आई क्या सभी बच्चों को? एक बारी दोबारा सुन लो मेरी बात को, बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, बेसिक लेवल भी, मीडियम लेवल भी, टॉप लेवल भी, हर रोज ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे उतना ही हमारे अंदर जोश, जज्बा, जुनून जगेगा। देखो जी, ए 25% काम करता है पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में 75% काम करता है, तो ए का काम कितना परसेंट बढ़ गया, ए का काम 50% बढ़ गया। तो जैसे ही ए का काम 50% बढ़ा, जैसे ही ए का काम 50% बढ़ा, तो उसके दिन कितने बढ़ गए, दिन कितने बढ़ गए, 10 बढ़ गए। 50% बढ़ने से दिन बढ़ गए जी 10। तो मैं कह रहा हूं 75 तो ये है ही, इसको 25 इधर दे दो, इसको इधर दे दो, टोटल 100 हो जाएगा। तो 50% बढ़ने से अगर 10 दिन ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा वाले हैं सिर्फ ज्यादा, तो 25% बढ़ने के 5 दिन ज्यादा है, तो 30 दिन तो ऑलरेडी था ही, और 5 दिन ये, तो टोटल कितने दिन हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा। तो ए के दिन आ गए हैं 35। अगर वो मेरे से ए पूछता तो ए के दिन तो आ गए 35। दूसरी कंडीशन देखना, मैंने देखता हूं इधर से कि 25 से 75 होना, 25 से 75 होना, जैसे ही इसका 50% बढ़ा, तो मैं अगर बी की कंडीशंस को देखूं कि जैसे ही इसका 50% बढ़ा, ऐसे ही 30 से 20 हो गया, 30 से 20 हो गया, तो 10 दिन कम हो गए, इसका 50% बढ़ने से 10 दिन कम हो गए हैं माइनस। तो इसका 75 तो है ही, ये 25 इधर ले आओ तो सिर्फ 25, तो 50 में से 10 कम है, तो 25 के कितने कम हो जाएंगे, 50 के 10 कम है तो 25 के कितने हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे 5 कम, और 25 के अगर 5 कम हो जाएंगे, अगर 25 के 5 कम हो जाएंगे तो 20 में से 5 घटा दो, 20 में से 5 घटा दो, तो बी के दिन कितने आ जाएंगे, बी के दिन आ जाएंगे जी 15। तो मेरा आंसर आ जाएगा सर 15, बी के दिन आ जाएंगे 15, तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 15। बोलो भैया बोलो, अगर ऐसी बात है तो आप, मैं कह सकता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। बोलो जी बोलो, इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश भी दिखा देंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करता हूं, ये लो जी इंग्लिश भी देख लेना, मैं दोनों ही क्वेश्चन दिखा, इंग्लिश और हिंदी, बाद में इंग्लिश को मैं हटा दूंगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन समझ पाए, देख पाए। लो जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मैंने दे दिया है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था क्या क्वेश्चन, नहीं वैसे ये लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है।
यही क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाले बच्चे एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, ताकि फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊं। बड़ा गजब क्वेश्चन, आपसी इंटरचेंज कंडीशन का क्वेश्चन है कि इधर वाला मान इधर आ गया, इधर वाला मान उधर चला गया। इंटरचेंज कंडीशन क्वेश्चन, इंटरचेंज कंडीशन क्वेश्चन ये बोला है। बोलो भैया, देखिए इतना शानदार क्वेश्चन है। अब अगर मैं इसको देखता हूं कि मैं सिर्फ ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूं, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि यदि ए 20% काम करे और बी शेष काम करे, ये अगर 20% काम करता है और बाकी काम ये करता है 80%, बाकी काम ये करता है 80%, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल जी काम पूरा हो गया सर 20 दिनों के अंदर, ओवरऑल काम पूरा हो जाएगा 20 दिनों के अंदर। अगर ये कह रहा है अगर ए 80% करे और ये 20% करे, तो 80% और 20% की अगर बात है तो ये काम कितना हो जाएगा? काम हो जाएगा जी 30 दिनों में, ये बोला है। तो बताइए ए और बी अलग अलग कितने में करेंगे? अगर किसी बच्चे को समझ आ गया है तो ठीक है, आपस में बदल देना, ये प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी आएगा, ये बोट एंड स्ट्रीम में भी आएगा। ये टाइप पूरे मैथ में तीन जगह आती है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, तीन जगह आती है ये टाइप। गौर करके सुनना मेरी बात को, ये कह रहा, और एक मिक्सर एलिगेशन, चार जगह आती है आपस में बदलने वाली टाइप, चार जगह आती है जी, चार जगह। सुनो, अगर ये कह रहा है कि 20%, मैंने ये बोला 20 से 80 होना कितना बढ़ गया जी? 60% बढ़ गया। जैसे ही ए का मान 60% बढ़ा या ए का काम 60% बढ़ा, इस केस में क्या होने लगा? तो दिन कितने बढ़ गए सर? दिन तो 10 बढ़ रहे हैं। दिन कितने बढ़ गए जी? 10 दिन बढ़ गए, बढ़ गए 10 दिन। 60% बढ़ने दिन बढ़ गए 10, 60% बढ़ने से दिन बढ़ गए 10। तो अब ये कह रहा है कि इसका 80% तो था ही, 20% बढ़ाना है, सिर्फ 20% बढ़ाना, टोटल 100 हो जाएगा। यहां पर टोटल 100 करने के लिए सिर्फ कितना परसेंट बढ़ाना है? सिर्फ 20। तो मैंने देखा कि अगर ये 20% बढ़ाना है, और अगर ये 20% बढ़ाना है तो 1/3 1/3 है, तो इसका भी 1/3 कर दो और इसका भी 1/3 कर दो, तो 10/3, इसका भी 1/3 कर दो तो 10/3, और जो ये 10/3 हो गया है, 10/3 प्लस, 10/3 प्लस में हो गया, तो 30 तो ये हो गया, और 3 से 1/3 और बढ़ गया, तो 30 प्लस 3 से 1/3 तो यानी 10/3 और बढ़ गया, और 30 प्लस तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 33 से 1/3, तो टोटल हो जाएगा 33 1/3, टोटल आ जाएगा 33 सही 1/3। बोलो जी बोलो, अगर बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल क्लियर है तो बात को बोलिए, बात बोलो, क्या समझ में आया क्या यहां तक? एक बारी सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या ये कंडीशन समझ में आई? भाई अगर मैं थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन करवा रहा हूं तो समझ में आना चाहिए बच्चों को, नहीं तो ये ना हो कि सिर्फ 20% बच्चों को ही समझ में आ रहा है। इसलिए मैं एक एक बात को बिल्कुल खोल खोल के रख दिया, एक बार हाँ ना में जवाब लिखो। बोलो भैया समझ नहीं आया, कुछ एक बच्चे ने लिखा है सर समझ नहीं आया, सर लास्ट से फिर समझा दो। कुछ बच्चों ने लिखा हाँ सर समझ में आया, जी सर जी सर। चलो एक बारी में फिर समझाता हूं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही हो चुका है, एक बारी में फिर सुन लो। ये इतना ऐसा मत सोचना यही CBT 2 का लेवल रहेगा, अभी बता रहा हूं मैं, इसलिए CBT 2 वाली चीजों भी लेके आएंगे, ये CBT 2 वाला लेवल भी ये रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी। देखो जी सुनो, मैंने बोला ए 20% पे है, ये 80% पे है, ये 20% पे है, ये 80% पे है, तो 20 से 80 होना तो कितना परसेंट बढ़ गया रहे? 60% बढ़ गया। जैसे ही ए 60% बढ़ा ऐसे ही क्या होगा? दिन 20 से 30 हो गए, दिन 20 से 30 हो गए तो दिन बढ़ गए जी 10।
दिन बढ़ गए जी 10, क्लियर है। तो 60 बढ़ते ही दिन 10 बढ़ गए, ये 80 है, यहां 20 इधर कर दो, 20 इधर करना तो टोटल 100 हो जाएगा, यहां पे 100 बनाना है। तो अगर 60 का 10 दिन बढ़ रहा है तो 20 का 3 से भाग दे दिया, तो इसको भी 3 से भाग दे तो 10/3 दिन बढ़ जाएगा। और 10/3 दिन अगर बढ़ गया तो 10/3 दिन बढ़ गया तो 3 से 1/3 बढ़ गया, तो ये था ही, और 3 से 1/3 ये बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा रे मेरे भाई, ओवरऑल हो जाएगा 33 सही 1/3 दिन। बोलो क्या ये आंसर ए का? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तब भी मना कर देना, अगर आ गया तो आगे चलेंगे, क्योंकि मेरा वादा है हर बच्चे को साथ में लेके चलूंगा मैं, अब तो हर बच्चे को साथ में लेके चलूंगा। बोलो बोलो बताओ जी, आ गया ना अब तो? अब बी की बारी, समझाऊं मैं क्या ये आ गया है? एक और बताइए, देखिएगा, अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं, सेकंड कंडीशन के ऊपर आगे बढ़ता हूं, देखो जी ध्यान से सुनना बात को, ये तो हो गया जी ए का। अब अगर मैं बात करता हूं सर बी की, थोड़ा रेड कलर है, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे लेकिन दिखाई देगा। अब बी के ऊपर आ जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, जैसे ही बी का 60 बढ़ा, ध्यान से सुनना, जैसे ही बी का 60 बढ़ा, 20 से 80 होना, तो जैसे ही बी का 60% बढ़ा, जैसे ही बी का 60% बढ़ा, ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही बी का 60% बढ़ा तो 30 से 20 होना, 30 से 20 होना, तो ये कितना कम हो गया है, 10 कम हो गया। जैसे ही इसका 60 बढ़ा ये 10 कम हो गया, जैसे ही इसका 60 बढ़ा ये 10 कम हो गया। तो अब ये कह रहा है कि ये 80 है, एक बार मुझे यहां पे 100 करना है, यहां पे 100 करने के लिए 20 20 और जोड़ना पड़ेगा, तो 60 में 10 कम हो गया, 60 में 10 कम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा रे, 20 के अंदर क्या करना पड़ेगा, 20 के अंदर 10 कम यानी 10/3 कम, और 10/3 कम का मतलब है 3 से 1/3 कम, 10/3 का मतलब है 3 1/3 कम, 3 से 1/3 कम, बोलो रे बोलो भैया, 3 से 1/3 कम, तो 20 में से 3 गए तो 17, और 1/3 मेरा आ जाएगा 16 सही 2/3। जिन बच्चों को गजब तैयारी करनी है उनको समझ में आ गया, और जिनको अभी भी समझ नहीं आया हो वो बच्चे क्या करेंगे, इसी चीज को बाद में रिपीट करके देख लेंगे भाई, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर किया करो। आप अगर ये कहेंगे ना सर छोटे लेवल के क्वेश्चन कराओ, ठीक है भाई मैं छोटे के करा दूंगा, लेकिन आप ये कहेंगे ना सर जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, जिस स्टैंडर्ड को मान के आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराइए, तो फिर भाई थोड़ा सा आपको, मैंने क्या बोला था कि आपको कोचिंग के तरीके से कोचिंग अगर करनी है ना, तो आपका कल से बैच शुरू होगा। कल क्लास 1 थी, आज क्लास नंबर 2 है। देखो देखो, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश और हिंदी हम दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो ये लीजिए मेरे भाई, इंग्लिश और हिंदी आपके लिए दोनों हैं, आप पढ़ो, आप पढ़ने वाले बनो, ये लो जी भाई सब, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हैं, ये लीजिएगा। बोलो इंग्लिश हिंदी एक बार और समझा दो, समझा तो दिया है, आप उसका वीडियो देख लेना यार। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन छोटे भी हैं लेकिन शुरू में ही थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए, ये कल की शीट में क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन तो कल की शीट में ही थे, लेकिन कल हम कितने कर पाए थे, 13 क्वेश्चन कर पाए थे, आज हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। देखो भैया, ए बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, और बी ने, ये स्पष्ट कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, इसने स्पष्ट बोला है 10 दिन के अंदर, यानी 10 दिन में अगर पूरा काम होगा, यानी 100% काम जो है, 100% काम कितने दिन में होगा, 10 दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितना परसेंट हो जाएगा, 10%, एक दिन के अंदर कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। यदि ए ने 2.5 दिन काम किया, ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया था, शेष 8.5 दिन बी ने काम किया,
शेष 8.5 दिन बीने काम किया। हा है कि यहां से अगर मैं देखता हूं, इन्हें कर दिया 2.5 दिन काम, और अगर मैं देखता हूं बी ने 8.5 किया तो बी ने कर दिया 8.5 काम, तो मुझे ये 8.5 दिन काम, तो इसने बोला आधा काम पूरा हो गया। अरे आधा काम पूरा हो गया, आधा काम पूरा होने का मतलब क्या है? 50% काम हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 50% काम हो गया। सेटिस्फाई द जो मैं मिक्सर में सिखाता हूं, 2.5 दिन यहां हो गए तो 2.5 दिन यहां हो गए, 2.5 दिन यहां हो गए तो 2.5 दिन यहां हो गए, 2.5 दिन प्लस 2.5 दिन प्लस 6 दिन। क्योंकि अगर मेरा ये कहना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए प्लस बी का मतलब मिलकर काम को 10 दिन में, यानी जब ये दोनों मिलकर करेंगे, जब ये दोनों मिलकर करेंगे तो 100% काम 10 दिन में हो जाएगा। 100% काम 10 दिन में हो गया तो 1 दिन में 10% हो गया, 1 दिन में 10% हो गया तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यानी 1 दिन में 10%, तो 2.5 दिन इसके, 2.5 दिन इसके, 2.5 दिन इसके, 2.5 दिन इसके, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 25% काम हो गया है, यहां पर 25% काम हो गया है। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि टोटल इस कंडीशन पे 85% काम हुआ था, आधा काम हुआ था। अगर 25% काम यहां पे हो गया तो जो ये बचा हुआ 25% है, ये कितने दिन में हुआ होगा? 6 दिनों में। तो जो ये बचा हुआ 25% है, ये कितने दिन में हुआ होगा? 6 दिनों में हुआ होगा, जो ये बचा हुआ 25% है। तो 6 दिन में बचा हुआ 25% काम हो गया मेरे दोस्त। अगर 6 दिन में बचा हुआ 25% हो गया है, तो कहने का मतलब ये है कि बी का 100%, बी का जो 100% है ये 4 गुना पर बैठा है। बी का जो 100% है ये कितने गुना पर बैठा है? बी का 100% बैठा है मेरे भाई ये 4 गुना पर, तो इसका भी 4 गुना कर दो, और इसका 4 गुना कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन गया है? 24 आ गया है। बोलो अगर बात बिल्कुल जायज है तो, 12 नहीं 24 बोलो, होना चाहिए सभी बच्चों को। अगर आ गया है तो लाइक होना चाहिए, लाइक के थ्रू पता चलना चाहिए मुझे कि आ गया है, इस बार कमेंट के थ्रू नहीं। इतना तो बनता है, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन, इतने गजब गजब मेथड, इतनी जबरदस्त थिंकिंग और लगातार कंटिन्यूटी, तो इतना तो बनना चाहिए। एक है 2.5 दिन के अंदर, बी करता है 2.5 प्लस 6, क्योंकि 8.5 को मैंने 2.5 प्लस 6 कर दिया। सेटिस्फाई द जूनियर, सेटिस्फाई द जूनियर। तो 6 दिन के अंदर अगर 25% काम होगा, 6 दिन के अंदर अगर 25% काम होगा तो टोटल काम कितना करना है? 100%। टोटल अगर 100% है, 25 का कितना गुना? 25 का कितना गुना? 4 गुना। 4 गुना है तो 6 का भी 4 गुना, टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 का भी 4 गुना, टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बोलो मेरी बात अगर सही, बात सही तरीके से आप अगर सहमत हैं तो बोलिए जी, बोलिए बच्चा, बात समझ में आ गई? बढ़े आगे मेरे दोस्त। चलो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे कुछ बड़े क्वेश्चन थे, साथ साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन सारे तरीके के आएंगे, इस चीज में तो घबराना मत कि सर तो सारे बड़े ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे मैं आपका लेवल क्लियर करने के लिए, मैं आपका पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप वक्त दे रहे हैं, ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। CBT 2 बैठा है, ग्रुप डी बैठा है, CPO बैठा है, CHSL बैठा है, SSC GD आने लग रहा है, SSC CGL बैठा है। एक बार ये अगर शानदार तरीके से सीख लिया तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। बोलो भैया बोलो बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अरे जितने लोग देखते हैं, लाइक तो किया करो कम से कम, जब देखते हो तो लाइक तो करना चाहिए यार, ताकि मुझे तो पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रही है क्लास। देखो पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उस काम को 60/7 दिन में, चलो मैं उधर लिख देता हूं, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिनों में,
ये कह रहा है क्यू और आर मिलकर उस काम को 60/7 दिन में, और ये कह रहा है कि एलसीएम आ गया जी 6 और 60/7, तो ये 60 आ गया। अगर 60 दिन में, अगर 6 दिन में 60 काम है, 6 दिन में 60 काम है तो एक दिन में 10 हो जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाय 60, और ये आ जाएगा 7। तो मैंने देखा पी प्लस क्यू एक दिन में 6 का 10 काम करेंगे और क्यू प्लस आर एक दिन में 7 काम करेंगे। तो अब देखिएगा, इसने बोला पी ने शुरू के 3 दिनों तक काम किया, इसने स्पष्ट बोला है पी ने शुरू के 3 दिनों तक काम किया, ठीक है। अब ये कह रहा है फिर क्यू और आर, बाद में क्यू और आर आ गए, और क्यू और आर ने 6 दिनों तक कर दिया, क्यू और आर ने 6 दिनों तक कर दिया। तो क्यू और आर अगर 6 दिनों तक करेंगे तो क्यू और आर एक दिन में करते हैं 7 काम। तो क्यू और आर की अगर मैं बात करता हूं, एक दिन में 7 काम तो 6 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 42। एक दिन में अगर 7 काम तो 6 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 42। एक दिन में 7 तो 6 दिन में 42 हो गया। तो 60 में से अगर 42 गया, 60 में से अगर 42 गया तो बचा कितना, 18। तो जो ये 18 बचा हुआ है वो किस वजह से बचा है, 3 दिनों तक काम किया है, तो इसका मतलब वो पी का 3 दिन का काम है जो 18 बचा है। अगर पी 18 काम को 3 दिन में करता है, 18 यूनिट काम को अगर 3 दिन में करता है, तो हर रोज का कितना यूनिट हो जाएगा, हर रोज का हो जाएगा 6 यूनिट, हर रोज का हो जाएगा जी 6 यूनिट। पी 18 काम को अगर 3 दिनों में करता है, 18 काम को 3 दिन में, तो एक एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो बताइए पी के द्वारा और आर के द्वारा दिनों का अंतर, तो अगर मुझे पी के ही दिन निकालने हैं, अगर मुझे पी के ही दिन निकालने हैं, तो एक दिन में 6 यूनिट है तो 60 डिवाइडेड बाई 6 तो 10 दिन हो जाएगा। और अगर मुझे आर निकालना है, अगर मुझे आर निकालना है तो गौर करना आर कैसे निकलेगा। पी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, पी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, पी अगर 6 करेगा और पी और क्यू मिलाकर कितने करते हैं, 10 करते हैं सर। पी और क्यू मिलाकर कितने करते हैं, 10 हैं। पी अगर 6 करेगा तो क्यू कितने करेगा, क्यू कितने करेगा, 4। क्यू कितने करेगा, 4। अगर क्यू 4 करेगा, अगर क्यू 4 करेगा तो आर कितने करेगा, 3। आर कितने करेगा, 3। अगर आर 3 करेगा तो इसका मतलब कि 60 डिवाइडेड बाई 3 और 60/3 तो टोटल कितने आ जाएगा, 20 दिन। तो आर के दिन आ गए जी 20, आर के दिन आ गए जी 20। तो 20 दिन ये रहे, 10 दिन ये रहे, 20 दिन ये रहे, 10 दिन ये रहे, तो 20 में से अगर 10 चला गया, अगर 20 में से 10 चला गया तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 10। आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 10। तो आंसर आ गया है 10। क्लियर है बात, बोलो। अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो आपको बोलना पड़ेगा सर, बोलो हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी बच्चे बहुत आराम से, प्यार से, इतने गजब गजब क्वेश्चन हैं, इतने प्यार से आप इन चीजों का जवाब देंगे, ये लीजिएगा जी। बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्लीट क्वेश्चन है, पढ़ो। और आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, स्पीड बनाइए। जब तक स्पीड नहीं बनेगी जब तक एग्जाम क्रॉस कैसे होगा, स्पीड तो बनानी पड़ेगी मेरे बच्चे, स्पीड तो बनानी पड़ेगी। देखिएगा, बोलो। इसने बोला एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिनों में करता है। पहला 24 दिन के अंदर, मैं यहां कर लेता हूं, पहले वाला 24 दिन के अंदर, दूसरे वाला इसको 36 दिन के अंदर, और तीसरा, अगर ये कह रहा है वह आदमी उस काम को 3 से 3 11 दिनों में करता है, तो मैन की अगर मैं बात करता हूं तो 11 तिया 33 33 और 3 36 36/11 दिनों में करता है। ये 24 है, ये 36 है, ये 36 है, तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 72। एलसीएम आ जाएगा 72, बोलो रे भाई, एलसीएम आ गया 72। 24 दिन में 72, तो एक दिन में 3,
36 दिन में 72, तो 1 दिन में 2, और 36 दिन में 72, तो यानी 36/11 है, तो 1 दिन में 22। अब देखना, यह कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं, जितने समय में तीनों बेटे, यानी तीन बेटे हैं, पहले दो का दे रखा है, तीसरा भी है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं, उतने ही समय में वह उनसे दोगुना काम करता है, वह उनसे दोगुना काम करता है, यानी उतने ही समय में उनसे दोगुना, यानी इस लाइन का मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो, सुनो मेरी बात को, इधर देखो। अगर एक दिन में आदमी 22 काम करेगा और बच्चों से दोगुना काम करता है, एक दिन में काम करेगा 22 और बच्चों से दोगुना काम करता है, तो मुझे ये बात समझ में आई, एक दिन में कर रहा है 22 और बच्चों से दोगुना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तीनों बच्चे मिलकर एक दिन में 11 कर रहे हैं। बोलो ये बात, भैया दोगुना कर रहा है, अगर ये 22 करेगा तो तीनों बच्चे मिलकर 11 करेंगे रे। अगर तीनों बच्चे मिलकर अगर 11 करते हैं, तो मुझे ये बात समझ में आने लग रही है कि पहला बेटा करेगा 3, दूसरा बेटा करेगा 2, और तीनों बेटे अगर 11 काम करते हैं मिलकर, 11 समझ में आ गया ना, 22 का आधा ही तो किया है। अरे 22 का आधा ही तो किया है, हाँ सर समझ में आ गया। तो ये 3 है, ये 2 है, ये 5 हो गया, 3 और 2 ये 5 हो गया है, तो 11 में से 5 गया तो ये कितना बच गया है, 11 में से 5 गया तो ये कितना बच गया है, ये 6 बच गया है। 11 में से अगर 5 गया तो ये कितना बन गया है, ये 6 बच गया है जी। 11 में से 5 गया तो ये 6 बच गया है, और अगर ये 6 बच जाएगा तो इसका मतलब कि 72 काम है टोटल, और वो एक दिन में करता है 6 काम, तो 72 काम को करने के लिए कितने दिन चाहिएंगे, 72 काम को करने के लिए 12 दिन चाहिएंगे मेरे दोस्त, 12 दिन। तो आंसर मेरा आ जाएगा 12 days। बोलो भैया बोलो, वेरी वेरी गुड, चलिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वीक की मैराथन क्लास जो है ना, 3 घंटे का मैराथन सेशन होगा इस बार संडे को, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, संडे इज ए फनी डे एंड संडे इज अवर नॉलेज डे। इस संडे को 3 घंटे का मैराथन सेशन होगा, 2 बजे से 5 बजे तक, बहुत गजब गजब क्वेश्चन मैं आपको वहां पे करवाऊंगा। 2 बजे से 5 बजे तक संडे का मैराथन सेशन कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, वीक का एक मैराथन होगा लेकिन बहुत शानदार मैराथन होगा। 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे, बहुत गजब वाली चीज हम लोग पढ़ेंगे इस बार संडे को। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और परसों संडे, संडे हम लोग ये काम कर रहे होंगे। देखो यार, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ए के तो दिन आ गए जी 12 और बी के दिन आ गए जी 20, 12 और 20 का एलसीएम आ गया जी 60, 12 दिन में 60 है तो 1 दिन में 5, और 20 दिन में 60 है तो 1 दिन में 3। ये कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, दोनों के दोनों मिलकर, ये 5 है और ये 3 है, और शेष काम सी 3 दिनों में पूरा कर देता है, तो 1 5 और 1 3 तो 8, अगर 8 काम 1 दिन में करते हैं तो ये 5 दिन तक काम करते चले जाते हैं, तो 8 गुना 5 एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 8 गुना 5 तो एक दिन में कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, और एक दिन में अगर 40 हो गए तो सी शेष काम को, अब शेष काम कितना बच गया है, सी शेष काम को अगर ये 60 है, यहां बच गए जी 40, ये 40 हो चुका, ये 60 है, ये हो गया जी 40, 60 से 40 होना, 60 से 40 होना, तो 60 से 40 होना तो 20 काम बच गया, 20 काम को सी कितने दिनों में कर देगा, 20 काम को सी कर देगा कितने दिनों के अंदर, 20 यूनिट काम को सी कर देगा 3 दिनों में, 20 यूनिट काम को सी कर देगा जी 3 दिनों में। अब ये कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा, यही पूछा है, तो मैंने देखा कि टोटल काम कितना है अपने पास, 60 है, टोटल काम 60 है, कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 3 गुना, तो 3 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 9।
बोलो रे भाई, अगर बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखिएगा बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बातें हम बाद में करते हैं, हम तो पहले पढ़ते चले जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी हैं, जो बच्चे शुरू से नहीं आए हैं वो बच्चे जरूर पढ़ लेना भाई। कौन से क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिए, कुछ क्वेश्चन शुरू में बहुत गजब गजब क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत गजब और बहुत शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। अब कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे लिखते हैं कि सर इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप समय निकालते हैं। देखिए आप बच्चों का प्यार है, मैं बार बार बोलता हूं, हर रोज पढ़िए। मैं आपके लिए, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन आते हैं ऑफलाइन में दम लगा के पढ़ाते हैं, ऑनलाइन आते हैं ऑनलाइन में दम लगा के पढ़ाते हैं, आप में से बच्चे कह रहे हैं कि सर सीबीटी 2 का बैच ले आए, सीबीटी 2 का बैच लेके आएंगे, हर चीज सीजीएल मेंस के बैचेज ऑफलाइन तक चल रहे हैं, सीजीएल मेंस के बैचेज प्लस कोर्स में चल रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं इतना, और स्पेशल क्लासेज आपकी ले रहे हैं ऐप के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं अपनी तरफ से जितना बेहतर एक इंसान कर सकता है ना, लेकिन उस बात को मैं बार बार नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब हम 1 घंटा पढ़ें तो पूरी एनर्जी से, पूरे डेडिकेशन से पढ़ें। इधर देखो जी, इधर देखो, बोलो। अब अगर मैं बात करता हूं कि रमेश और रहमान किसी काम को करते 20-25 दिनों में करते हैं, रमेश और रहमान एक 20 दिन में करता है, एक 25 दिन में करता है, 20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा, 20 दिन में 100 है तो 1 दिन में 5 हो जाएगा, 25 दिन में 100 है तो 1 दिन में 4 हो जाएगा, 20 दिन में 100 तो 1 दिन में 5, 25 दिन में 100 तो 1 दिन में 4, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो 5 और 4 9, 1 दिन में 9 है तो 10 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 90। 1 दिन में 9 है तो 10 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 90। क्लियर हो गया जी। अब वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं, शेष काम सुरेश 10 दिन में करता है, तो सुरेश 90 काम तो हो चुका है मेरे भाई। सुरेश के काम कितने बच गए, 10 यूनिट, 10 यूनिट काम बच गया सुरेश का, और 10 यूनिट को कितने दिन में करते हैं, 10 यूनिट को 3 दिनों के अंदर, 10 यूनिट को 3 दिनों में करता है, 10 यूनिट को 3 दिन में करता है, तो टोटल कितने यूनिट है, 100 यूनिट है, टोटल 100 यूनिट है, कितने गुना पर बैठा है, 10 गुना पर बैठा है, तो 3 का भी 10 गुना और 3 का भी 10 गुना तो टोटल कितना बन जाएगा, 3 का भी 10 गुना तो टोटल बन जाएगा 30। बोलो रे, बोलो भाई बोलो, आप तो यस नो हाँ नो करो, बोलो। बहुत बढ़िया, जो बच्चे शुरू से आएंगे ना बेटा उसको समझ में आएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि बीच में भी आए हम सब कुछ समझे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आराम से चढ़ेंगे स्टेशन पर, जब ट्रेन खड़ी है तब बैठो, और जब ट्रेन चल पड़ी है तो थोड़ा सा स्पीड से, और फिर आप बोलते हो यार हमें तो सांस चढ़ गए हैं। भैया समय पे आओ, 8:30 बजे क्लास शुरू होती है, अभी अभी मैंने बता दिया, संडे को 2 बजे, दिन में दोपहर 2 बजे से 5 बजे, गजब मैराथन, शानदार मैराथन, टाइम एंड वर्क का बहुत शानदार मजा आ जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये काम कर लें। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप शुरू से आएंगे तो कुछ समझ में आएगा, ये लो जी, शुरू से आएंगे तो आप सब कुछ समझ में आएगा, ये लो जी। हरिंदर सिंह किसी काम का आधा भाग 5 दिन में, हरिंदर सिंह किसी काम का आधा भाग 5 दिन में। अब ये कह रहा है भीम सिंह उसी काम का 3/5 भाग, भीम सिंह उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और ये कह रहा है कि नवजोत उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 दिन में है। हरिंदर सिंह 5 दिन में, भीम सिंह 9 दिन में, और अब देखो जब भी ऐसा है तो हमेशा क्या करना होता है, नीचे वाली वैल्यू को मानो कि टोटल 2 काम है जी, टोटल 2 काम है, 2 में से 1 काम 5 दिन में, एक काम अगर 5 दिन में है तो दोनों के दोनों काम कितने दिन में हो जाएगा, एक काम 5 दिन में है तो दोनों के दोनों काम 10 दिन में, 5 है टोटल, 3 काम 9 दिन में, 3 काम 9 दिन में है तो एक काम 3 दिन में, और एक 3 दिन में है तो 5 काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। टोटल टोटल डेज निकालो, टोटल डेज निकालना सीखो, सभी बच्चे इधर देखना एक बार, आएगा समझ में।
टोटल मैंने मान लिया तीन है, टोटल मैंने क्या माना तीन है, तीन में से कितने दो, तीन में से दो काम, दो काम 8 दिन में, अगर दो काम 8 दिन में तो एक काम 4 दिन में, और एक काम 4 दिन में, तीनों के तीनों काम कितने दिन के अंदर है, 12 दिन में, तीनों के तीनों काम कितने दिन में है, 12 दिन में है, बोलो जी। अगर ये आ गया तो अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, 10 12, तो ये टोटल 60 आ जाएगा, और 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5 है, तो 6 4 10 5 15, तो 15 आ गया, तो 60/15 और 60/15 तो टोटल कितने दिन आ जाएगा भैया, टोटल आ जाएगा 4 दिन, 60/15 तो टोटल कितने दिन आ जाएगा, 4 दिन। अरे बोलो मेरी बात को, अगर सही तरीके से, शानदार तरीके से अगर समझ पाए हैं तो बोलो, बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वक्त हम लोग सही गजब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी बातचीत का थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं। ये लीजिएगा जी, क्वेश्चन करिएगा बहुत अच्छे से। एक कंपनी ए 1 घंटे कार बनाती है, और कंपनी बी प्रत्येक 2 घंटे में, कंपनी ए का प्रत्येक घंटे और कंपनी बी का प्रत्येक 2 घंटे, 2 घंटे तो दोनों का समय बराबर लो कि मैंने बोला मैं ऐसा करता हूं, ए और बी दोनों कंपनियों को मिला लेता हूं, तो दोनों का दो दो घंटे बना लो, 1 घंटे में एक्स कार, तो 2 घंटे में, 2 घंटे में बोलो जी मेरे दोस्त, 1 घंटे में एक्स है तो अगले 1 घंटे में फिर एक्स। सर बराबर, सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बराबर बनाना है, बराबर क्यों बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो 1 घंटे के अंदर एक्स है तो 2 घंटे के अंदर 2x हो जाएगा, इतना तो कर दिया ए ने, 2 घंटे के अंदर 2x हो जाएगा, इतना तो कर दिया जी ए ने, और बी प्रत्येक 2 घंटे में वाई गाड़ियां, अगर बी प्रत्येक 2 घंटे में वाई है तो ये तो 2 घंटे के अंदर वाई हो गया, तो ये प्लस का वाई आ गया। अरे बोलो मेरे दोस्त, 2 घंटे में कंपनी ए 2x और कंपनी बी वाई, तो ए और बी का मिलाकर 2x प्लस। अब ये कह रहा है कि दोनों कंपनी मिलकर, तो इसलिए तो मैंने मिलाया, दोनों कंपनी मिलकर इसलिए तो मैंने मिलाया। इसने बोला जी 8 घंटे में, अगर ये 8 घंटे कह रहा है, 2 से 8 हो जाना, कितने गुना पर बैठा है, 4 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, और इसका 4 गुना करूंगा तो 4 दूनी 8x प्लस में 4y, 8x प्लस में 4y, बोलो रे मेरे दोस्त, हाँ ना यस नो का जवाब दो, 8x प्लस में 4y, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अगर इस तरीके से भी आप जवाब देते हैं ना, तो मेरे अंदर ये कहते हैं ना कि जब टीचर को ये लगता है ना, ऑफलाइन में बच्चा हमारे सामने बैठ के पढ़ता है तो हमें दिखाई देता है कि वो पढ़ रहा है, जब हमें ये लगता है ना कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, या कोई भी बातचीत के थ्रू, तो हमें ये पता चल जाता है कि आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, तो फिर मन करता है कि हर रोज पढ़ाएं। कुछ बच्चे रियलिटी में दिल से चाहते हैं मैं हर रोज पढ़ाऊं, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, अरे लाइक तो किया करो, जितने लोग देखते हैं ना, एटलीस्ट उससे ज्यादा लोग, यहाँ पर अभी तक 600 करीबन लोग जा चुके हैं, देख देख के, देख देख के उनको गाने सुन लें, कुछ बच्चे लगातार देखते हैं, एक क्लास को पूरा देखा करो, कंप्लीट क्लास देखेंगे तो उसका अलग ही बेनिफिट और अलग ही मजा आएगा। देखो जी, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और सी 30 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और सी 30 दिन में करता है, तो एलसीएम आ गया जी 60, अगर 10 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर 6, 20 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर 3, और 30 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर 2, ये एक दिन में 6 है, ये एक दिन में 3 है, ये एक दिन में 2 है। अब इसने बोला वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन काम करते, 9 और 2 11, तो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने, तो 6 3 9 और 2 11, एक दिन में 11, तो 4 दिन के अंदर टोटल कितना हो जाएगा, 44, 4 दिन के अंदर टोटल कितना हो जाएगा, 44। अब ये कह रहा है
चार दिन के बाद ए दोगुनी क्षमता के साथ और सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम करे तो ऐसे कार्य इतने दिनों में पूरा होगा। तो अब बच गया ए दोगुना। भाई साहब एक बात बताओ यार, यहां से यूनिट कितने बच गए? 60 में से अगर मैं ये 44 घटा देता हूं, 60 में से 44 घटा दिया तो बचेगा कितना? 16 बच गया। 60 में से 44 घटा दिया तो बचेगा कितना? 16। जो ये 16 बच गया ए दुगुनी क्षमता से 12, 6 की जगह 12 कर लेगा। हाँ जी, बी आधी क्षमता से 2 की जगह 1, मतलब बी नहीं सी, सी आधी क्षमता से 2 की जगह 1, तो 2 की जगह 1, ये तो 12 कर लेगा। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सी आधा कर लेगा, तो 12 3 15 और 1 16। अब एक दिन में कितना काम कर लेंगे तीनों? अरे तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? बोला सर तीनों मिलके तो 16 काम कर लेंगे, और ये काम कितना है? ये 16 ही तो है, ये 16 ही यूनिट काम है, और एक दिन में 16 ही कर लेंगे तो 16 by 16 तो टोटल कितना बन जाएगा? एक दिन 16 by 16 तो टोटल कितना बन जाएगा? 1 day। बोलो भाई, बोलो बोलो, अगर 16 by 16 तो टोटल कितना बन जाएगा? 1 day। बिल्कुल गजब बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आगे बढ़े, अब क्या मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके तो मुझे ये बता दो कि अच्छा लग रहा है। अगर आप इसी तरीके से पूरा टॉपिक आपको लगता है कि सर हमने सही किया या कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव करना है, एक बार बताएंगे, क्योंकि आपसे संवाद के थ्रू ही बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता रहता है हम सही चल रहे हैं, हम स्लो चल रहे हैं, हम बहुत परफेक्ट चल रहे हैं, हम फास्ट चल रहे हैं, पता तो चले। हम या तो पेपर्स करें, नहीं सर इसी तरीके से टॉपिक बढ़ाओ, क्वेश्चन सीरीज यही करो और बस पीडीएफ दे दिया करो, यही सारी चीजें हैं। मुझे बता दो, बोलो बोलो भैया, बोलो क्या सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। कुछ बच्चों ने मुझे हिंट दे दिया है, वह कहे कि हिंट ही बहुत होता है समझने के लिए कि बच्चों के दिल दिमाग के अंदर ये चीज क्लास है क्या। बिल्कुल छा रही है मेरे दोस्त, इस चीज में कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल छा रही है। अब ये क्या कह रहा है? ए तथा बी और बी तथा सी मिलकर उस काम को 12 और 16 दिनों में करते हैं। मैंने बोला मेरे भैया ए और बी 12 दिन में, ए और बी 12 दिन में और बी और सी 16 दिन में, ये 12 और 16 का एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो ये 48 आ गया, और 12 दिन में 48 तो एक दिन के अंदर 4 हो जाएगा, 16 दिन में 48 तो एक दिन के अंदर 3 हो जाएगा, 12 दिन में 48 तो एक दिन में 4 और 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3। अब ये कहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, अब ये कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, ये कह रहा है जी बी ने 7 दिन काम किया, और ये कह रहा है जी सी ने 13 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया। यहां है, अब देखो ए के साथ बी ने भी तो किया है, अरे ए के साथ बी ने भी तो किया है, तो अगर मैं यहां से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, बताओ ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो मुझे इस बात का जवाब दो, मुझे ये बात समझाओ कि ए कितने दिन काम कर सकता है, ए बी के साथ कितने दिन काम कर सकता है। देखो मैं करता हूं, ये ए है, ये बी है, फर्स्ट डे ए था, फर्स्ट डे ये भी था, सेकंड डे ये था, सेकंड डे ये भी था, थर्ड डे ये था, थर्ड डे ये भी था, चौथा दिन ये था, चौथा दिन ये भी था, पांचवा दिन ये था, पांचवा दिन ये भी था, छठे दिन ये था, सातवें दिन सिर्फ ये था। तो मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि ए और बी एक साथ कितने दिन काम कर पाए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे। तो आपने मुझे जवाब दिया सर ए और बी तो एक साथ 5 ही दिन काम कर पाए, और ए और बी एक साथ अगर 5 दिन काम कर पाए तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं जी? 4। और एक दिन में अगर करेंगे 4 तो 5 दिन के अंदर, एक दिन में अगर करेंगे 4
तो 5 दिन के अंदर हो जाएंगे जी 20, 5 दिन में होगे जी 20, एक दिन में 4, तो 5 दिन में 20। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब ये क्या कह रहा है, एक दिन में 4 तो 5 20, ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, 2 दिन। अब सी कितने दिन करेगा, 13 दिन। तो बी और सी को भी तो इकट्ठा कराना है। अरे बी और सी को भी तो इकट्ठा कराना है। हाँ सर, तो बी और सी को इकट्ठा कराना है, तो मैंने क्या किया, 2 दिन इनको जोड़ लो, 2 दिन इनको जोड़ लो, बी के 2 दिन सी के 2 दिन के साथ जोड़ लो। क्यों सर, अकेला नहीं करा सकते क्या? अकेला नहीं करा सकते मेरे भाई। देख लो, इतनी अच्छे तरीके से बता रहा हूं, एक बार ए को बी के साथ जोड़ दो और एक बार बी को सी के साथ जोड़ दो, अकेला अकेला तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तीनों की संख्या तो दे नहीं रखी। तो मैंने ए और बी को तो जोड़ दिया 5 दिन, अब बचे हुए दिन बी के बचे हुए दिन सी के साथ जोड़ दो। तो बी और सी एक दिन में 3 है, एक दिन में 3 है, तो सिर्फ 2 ही दिन तो करेंगे ना। तो 2 दिन के अंदर, एक दिन में 3 है, तो 2 दिन के अंदर कितना हो जाएगा, 2 दिन के अंदर मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, 2 दिन के अंदर 6 हो जाएगा जी। 20 और 6 26, तो 48 में से अगर 26 गया, 48 में से अगर 26 गया तो बचेगा कितना, 22 बचेगा। 48 में से अगर 26 गया तो बचेगा कितना, 22 बचेगा जी। जो 22 बचेगा वो कौन करेगा रे, वो सी के 11 दिन की वजह से बचा है। जो 22 बचेगा वो कौन करेगा, वो सी के 11 दिन की वजह से बचा है। बोलो मेरे दोस्त, बोलो भैया, सी के 11 दिन की वजह से बचा है। और सी अगर 11 दिन में इस 22 काम को करेगा, सी 22 यूनिट काम है, कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा, तो एक दिन के अंदर कितने कर देगा, 2। और एक दिन के अंदर अगर 2 कर देगा, अगर एक दिन में 2 कर देगा, तो सी अकेला उस काम को तो एक दिन में अगर कर देगा 2, तो एक दिन में 2 है, तो टोटल कितने हैं, 48। अगर ये 48 है तो मैं देखता हूं 48 बाई 2, और 48 बाई 2 तो टोटल कितने दिन हो जाएगा, 24 दिन। तो आंसर मेरा आ जाएगा 24 डेज। ये रहा जी आंसर। बोलो भाई, अगर बात समझ पाए तो। सगर, जगतपुरा में बैच चल रहा है क्या? जगतपुरा के अंदर ही सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, कल आप आ सकते हैं। आज तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कैसे हम इस बैच को चलाएंगे, आज ही शुरू हुआ है मेरे दोस्त जगतपुरा के अंदर। तो ठीक है, बोलो, न्यू बैच आज ही शुरू हुआ है, ये सभी ब्रांचों के ऊपर आज ही शुरू हुआ है। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अगर आप इतनी शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो या तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, मतलब मेरे से जुड़ जाओ, और या आप हमसे ऑफलाइन पढ़ लो आके। अगर दोनों काम करते हैं, ये तो सोने पे सुहागा है, यहां भी पढ़ो वहां भी पढ़ो, एनर्जी इतनी हो जाएगी, एनर्जी का इतना जबरदस्त केंद्र बन जाएगा कि कहानियां ही गजब हो जाएंगी। बोलो जी, बोलो बोलो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने बोला कि ए और बी और बी और सी, ए और बी मिलकर करते हैं जी कितने दिन के अंदर, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, और बी और सी, और बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 16 6 18 और 2 20 बटा 3 दिन में। तो 12 और 20 का एलसीएम मैं 60 मान लेता हूं, 12 दिन में 60, तो एक दिन में 5 है, तो 20 से 3 तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि ए इसको 3 दिन काम करता है, ए करता है 3 दिन काम, बी करता है 5 दिन काम, 4 दिन काम, और सी करता है 7 दिन काम। ये 3 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करता है, ये 7 दिन काम करता है, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये 7 दिन। बोलो बात क्लियर हो रही है? हो रही है। अगर 3 दिन 4 दिन 7 दिन हो जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 करो, सबसे पहला काम है इसको 3 प्लस 1 करो। अब आपको दिखाई देगा कि ए और बी को 3 दिन जोड़ो जी, ए और बी को 3 दिन जोड़ो, एक साथ ए और बी को 3 दिन जोड़ो, तो ए और बी एक दिन में कितना है, 5, और एक दिन में 5 है,
तो 3 दिन के अंदर कितना हो जाएगा? 3 दिन के अंदर हो जाएगा 15। एक दिन में 5 है तो 3 दिन के अंदर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब बी और सी को कितने दिन साथ में जोड़ना है? बी और सी को कितने दिन साथ में जोड़ना है? बी और सी को जोड़ना है 1 दिन। बी और सी को कितने दिन जोड़? 1 दिन। तो बी और सी 1 दिन, बी और सी 1 दिन, तो 1 दिन के अंदर गई तो 9 ही काम कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा जी 9। और 15 में 9 जोड़ दूंगा तो 24 हो गया जी। तो 60 में से अगर 24 चला गया, 60 में से अगर 24 चला गया तो बचेगा कितना? 36। 60 में से 24 चला गया तो बचेगा कितना? 36। अब जो ये 36 बचा है इसको ए अकेला करेगा, ये जो 36 बचा है इसको ए अकेला करेगा, और अकेला अगर करेगा ए, तो अब एक बात बताओ, मुझे बताओ, ये 36 जो बचा है इसको कौन करेगा? सी करेगा, सी, क्योंकि ये तो दिन निकालने हैं ए के, इसको करेगा सी। सी कितने दिन में? 6 दिन में। अगर सी 6 दिन में 36 करने लग रहा है तो 1 दिन के अंदर कितने यूनिट कर देगा? 1 दिन के अंदर कर देगा जी 6 यूनिट। और 1 दिन के अंदर अगर 6 यूनिट कर देगा, अगर 1 दिन में अगर 6 यूनिट कर देगा, तो एक बात कहो, सी के 6 यूनिट है, इधर देखना सभी के सभी बच्चे इधर, सी के 6 यूनिट हैं, अगर सी 6 यूनिट करेगा तो बी कितने यूनिट करेगा? बोलो, अगर सी 6 करेगा और बी और सी, बी और सी 9 है, तो सी 6 करेगा तो बी कितने करेगा? 3। अगर बी 3 करेगा, बी 3 करेगा तो ए कितने कर देगा? 2। ए कितने कर देगा? 2। और ए अगर 2 करेगा, 1 दिन में अगर 2 हैं, तो मेरे को ये कहना है कि टोटल 60 काम है और 1 दिन में 2 करेगा, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा। रे बोलो मेरी बात को, हाँ ना में जवाब दो, बोलो। क्या मजा आ गया? क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ रियलिटी में बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत शानदार लग रहा है हमको? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बताइए मुझे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बताइए, क्या सही लग रहा है? क्या बोलो जी, बोलो, सही लग गया। चलो जी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये लीजिएगा भैया, आपके सामने बहुत गजब क्वेश्चन है। बोलो बोलो, आपको खुद करके दिखाना है ये क्वेश्चन। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे के अंदर बना सकते हैं। एक आदमी इसको 9 घंटे में बना सकता है, दूसरा आदमी इसको 10 घंटे में बना सकता है। 9 घंटे और 10 घंटे का मतलब हो गया टोटल 90 यूनिट। 9 घंटे और 10 घंटे का मतलब हो गया टोटल 90 यूनिट। 9 घंटे में 90 तो 1 घंटे में 10, और 10 घंटे में 90 तो 1 घंटे में 9। 9 घंटे में 90 तो 1 घंटे में 10, और 10 घंटे में 90 तो 1 घंटे में 9। बात क्लियर होगी? तो ये 1 घंटे में 10 यूनिट लगाएगा, ये 1 घंटे में 9 ईंटें लगाएगा, तो दोनों दोनों जब एक उस दीवार पे काम कर रहा है, एक इस दीवार पे काम कर रहा है, एक को पीछे काम के लिए लगा दिया, एक आगे काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट काम करते हैं या कितनी ईंटें लगाते हैं? 19 ईंटें। दोनों उसका काम और इसका काम जोड़ दिया जाए तो यानी 19 काम होता है टोटल, 19 ईंटें लगती हैं। लेकिन अगर वे और दीवार को एक साथ 5 घंटे में लगा देते हैं, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करेंगे तो बात होंगी, जहां भी एक साथ काम होगा बात होती है हमेशा, तो 15 ईंटें कम लगेंगी। तो खुद ही कह रहा है कम लगेंगी, क्योंकि एक साथ बात होंगी, आप अकेले पढ़ रहे हैं, सिंपल मेरे साथ बातचीत है, 1 घंटा बहुत मजे आया होगा। अगर आप ऐसे ही बैठ के पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बीच में छोड़ के चले गए, हो सकता है बीच में आए हो, यानी जब आसपास आपका माहौल आपको नहीं मिलेगा ना जब तक है, तब तक आप वैसा थोड़ी पढ़ेंगे। तो इसने बोला जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 15 ईंटें कम, तो 15 ईंटें कम है तो 90 है, 90 को अगर एक साथ करेंगे तो 5 घंटे में, और 5 घंटे का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर 18, 1 घंटे के अंदर 18। और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां 1 घंटे के अंदर कितना? 19। यहां 1 घंटे में 19 और यहां 1 घंटे में 18 है, 1 घंटे में 19, 1 घंटे में 18, तो इसका मतलब कमी कितने की हो गई है? इसका मतलब कमी कितने की हो गई है? 1 घंटे, 1 ईंट की।
और एक ईंट की कमी हो गई है किसके रिस्पेक्ट में, एक ईंट की कमी हो गई है किसके रिस्पेक्ट, हर घंटे एक ईंट कम हो गया, लेकिन एक ईंट ना होकर कितनी ईंटें कम है, 15 ईंटें कम है, तो एक का मान 15 है, तो 90 गुना 15, 90 गुना 15, और 90 गुना 15 टोटल कितना हो जाएगा, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 और 0 तो टोटल कितना बन जाएगा, 1350, टोटल आ जाएगा जी 1350। बोलो रे, बोलो भैया बोलो, बिल्कुल ओके हुई है तो बोलो रे, बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल शानदार हुई है तो बोलो, बाकी बातें बाद में, लेकिन बिल्कुल ओके हो गई है, सभी बच्चों ने बोला। आज फिर हम लोग 13 क्वेश्चन कर पाए, एवरेज निकल रहा है हमारा 13 क्वेश्चंस का, तो 13 क्वेश्चन आज हम फिर कर पाए हैं, इस क्वेश्चन को मैं फिर बड़ा कर देता हूं। अच्छा, आपको पता चल गया है क्या, एक बात का पता चल गया है क्या आपको, किस बात का सर, आपको पता चलना चाहिए किस बात का, कि सर संडे को मैराथन है जी, संडे को 2 बजे से 5 बजे तक, संडे को 2 बजे से 5 बजे तक मैराथन है जी, मैराथन, संडे 2 बजे से 5 बजे तक मैराथन है। संडे 2 बजे से 5 बजे तक मैराथन है सर, और मैराथन क्लास 3 घंटे की, बहुत शानदार और बहुत गजब क्लास जिसको बोलते हैं वो क्लास है। तो चलिएगा, आज करते हैं, आज हमारी दूसरी क्लास थी, और आपको अच्छा लगा, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास देख ली थी वो कल वाली क्लास को देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये मेरा प्लस कोर्स का बैच है, आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, अभी यहाँ की लाइटिंग थोड़ी ज्यादा है, तो जब भी आप अनअकैडमी पर, तो हरिंद्रा कोड को लगा दीजिए, ये आपको हरिंद्रा कोड दिखाई दे रहा होगा, ये हरिंद्रा कोड को लगा दीजिए, हरिंद्रा कोड के लगाने से आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएंगे, हरिंद्रा कोड को लगाइए और आपको अदर बेनिफिट भी मिलेंगे। तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, संडे 2 बजे मुलाकात होती है, लगातार मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको और सारी चीजों का पता चलता चला जाएगा, थैंक यू, बाय बाय।